महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठाएं तो यह देखें कि हम इसमें से कहां तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज़ का रुपये पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश में महंगी मिलती है। इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है उसकी एक मद की ओर तुरंत आ जाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे इस श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत से प्रश्न हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने तो खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिकों की ओर नहीं गया है, उनकी बड़ी बुरी हालत है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं, उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करीब 7 लाख आदमी नौकरियों के लिए प्रार्थी हैं, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है। इनके अलावा कितने ही लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं और कितने ही आधी बेकारी की हालत में हैं, और श्रम विभाग उन बेकारों और आधे बेकारों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है। उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सकें, उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनाएंगे। इस कार्य में आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत अधिक है। जो भी नया काम आरंभ होता है उसका दायित्व श्रम विभाग पर रहता है। वे उसके मालिक नहीं बल्कि धन जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। उन्होंने इस भावना को देश की जनता तक पहुंचाने में बड़ा प्रयत्न किया और उसी विचारधारा को लेकर विनोबा जी ने सारे देश में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती, और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने
इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें, इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था, उसमें हेर फेर होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की अनुभव आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसलिए नव युग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कोई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ, जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थी। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समुरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के एक दो वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी
अपने